अंकल बहन बचा ले खावत हवे भी रोव था तो जरी थी ये जो वो लग रही थी ना अंगल वो पाड़ी पे कटिया कोई न्यू लगते तो न्यू दो तीन तो रोड पर सर लगे तो लिया बालकन बताओ ड्राइवर ने दारू वारू पी रखी थी क्या? दारू पी रखी थी, दारू पी रखी थी। और किसी भी खुद सी किसी से टकराई नहीं? टकराई नहीं, कोई खुद ही खुद ही खुद ही वो जैसे मोड़ मोड़ा ना कंट्रोल आउट हो गया। अच्छा, पिछले गांव में शेले में खेड़ी में इस ड्राइवर की चाबी भी खोसी। अच्छा, इसके मारी भी। अच्छा, तो प्रिंसिपल ने चाबी वापिस दिवाई, उसका किसने दिवाई बोला दे दो आराम से ले आएगा। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल इसका आउट हो गया। अच्छा, खेड़ी में मतलब इसने किसी को हिट किया था? हाँ, तो उस समय खेड़ी वालों ने इसकी मार पिटाई भी करी, चाबी भी ले ली थी। हाँ, लेकिन फिर प्रिंसिपल ने वापस दिवा दी, वापस दिवा दी फोन फान पे। प्रिंसिपल ने दिवाई किस? हाँ, जिसने दिलवाई लेकिन फोन फान पर वापस दिला दी। हाँ, और फिर ये आगे लेकर आया और इसने फिर ये मोड़ ऐसे मुड़ता है। हाँ, वहाँ पर कंट्रोल इसका आउट हो गया, आउट कंट्रोल, बस पेड़ में लगी पिछला हिस्सा आगे फिर ऐसे गिर गई। तो गांव वाले आगे तुरंत इसको उठा दिए, बच्चों को यूरो स्कूल की बस में लेकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अच्छा, मतलब यूरो स्कूल के स्टाफ और गांव वालों ने मदद करी? मदद करी। आप लोग भी थे उसमें? हाँ, हम भी थे। कैसा दृश्य था उसके बाद? कैसा सीन था उस समय जिस समय आप लोग आए थे? बहुत बुरा था, देखा नहीं जा रहा था, रो रहे थे हम तो, जो उठा रहा था रो रहा था। सिर्फ लापरवाही के कारण मतलब दुर्घटना। फिर वो ड्राइवर का क्या रहा? वो भाग गया। अच्छा, भाग गया वो ऐसे खेतों खेत। अच्छा, मतलब वो ड्राइवर को पकड़े, बच्चों को बचाए। अब क्या हालत है, मतलब कितने बच्चों को चोट आई, क्या रहा? वो देखो, चोट तो कम से कम 10-15 बच्चों के है। अच्छा, ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा, ऑन द स्पॉट जो डेड हो गए वो 3 या 4 की। अच्छा, बाकी ये इस ज्यादा गंभीर है, मतलब होश हो गया। पीछे जो बैठे थे ज्यादातर उनका नुकसान हुआ होगा? उनकी ज्यादा है, उनकी ज्यादा नुकसान हुआ होगा। ये इससे जो पीछे था ना, हाँ, उधर से बाहर चले ये सारे जो इधर से टूट गया, कोई टकराई वापिस आए। हाँ, यहाँ से जो पड़े थे ना जिनका सर लग गया था, हाँ, वो तो ऑन द स्पॉट हो गए। समझ गए। तो कनीना में ये स्कूल बस का हादसा हुआ और जीएल पब्लिक स्कूल कनीना की ये बस थी, लापरवाही के कारण ये दुर्घटना हुई और पीछे का हिस्सा ज़्यादा टिका है, इसी वजह से यहाँ जो बच्चे बैठे थे उनका नुकसान भी हुआ। बाकी कितने बच्चों का नुकसान हुआ वो भी देखेंगे।